एक ओर गुर्जर आंदोलन को लेकर अभी मामला थमा नहीं, वहीं दूसरी ओर भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने भी आरक्षण की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आज भरतपुर में हुई बैठक के बाद आगामी 18 नवंबर को महापंचायत करने का निर्णय लिया गया। बैठक अभी तो वही है, 20 जीवन में कम से कम आ जाओ, माते आओ सर, सरपंच को आ जा, हमारे भाई गला दूर से भगवान हो जाते। धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए हमारी पहली मांग है, राज्य सरकार अपनी सिफारिश अपनी चिट्ठी भेजे। दूसरी मांग है, जो 2013 की भर्तियां हैं विभिन्न विभागों में, जिनमें हाईकोर्ट का भी निर्णय है, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही हमारे नौजवानों को। दूसरी मांग हमारी यही है, सरकार तुरंत उन युवाओं को नौकरी दे, उनको ज्वाइनिंग कराए। तीसरी मांग, जो समझौता में तय हुई थी उस समय, जो आज वर्तमान में मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी भी उस वार्ता में मौजूद थे, उसमें यह तय हुआ था कि आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार को बने 2 वर्ष हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम हमारी तीनों मांगों पर नहीं लिया है। सरकार अगर चाहती है कि आंदोलन ही इसका एक विकल्प है, तो हम आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। शीघ्र ही बड़े बड़े गांवों में हमारे जो पॉइंट हैं उन पर महापंचायत करके पंच पटेलों में फैसला लेंगे। और सरकार ये समझ ले, भरतपुर के आंदोलन की आग कहाँ तक जाती है, पूरे उत्तर भारत में भरतपुर के आरक्षण आंदोलन का असर होगा। ये सरकार भली भांति सोच ले और समझ ले, आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है, आंदोलन करना हमारी मजबूरी होगी। सारे रास्ते बंद करेंगे, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना कोई हम आग लगाएंगे, ना हम तोड़फोड़ करेंगे, हम अहिंसात्मक तरीके से सड़कों पर और पटरियों पर बैठेंगे।